जय श्री कृष्णा। आज आप लोगों को गरुड़ पुराण की वो पांच अमृतमयी वाणी को आप लोगों के सामने बताऊंगा, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और यह प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। सज्जनों, सबसे पहली बात है, ज्ञान का संरक्षण अभ्यास। गरुड़ पुराण में जो बताया गया है उसमें सबसे पहली बात ज्ञान का संरक्षण अभ्यास के द्वारा होता है और कहा भी गया है, करत करत अभ्यास ते जर्मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। अगर ज्ञान को आप संरक्षित करना चाहते हैं तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, निरोगी काया। अगर आप निरोग हैं तभी आप कोई शुभ कार्य कुछ भी कर सकते हैं। और निरोगी काया आपका कब होगा? जब आप संतुलित भोजन ग्रहण करेंगे, संतुलित आहार लेंगे और आपका भोजन अगर सुपाच्य है और अल्पाहार के रूप में लेंगे, जिससे आपका निरोगी काया रहेगा। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, कपड़े साफ सुथरे पहनना चाहिए। गरुड़ पुराण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि अगर आप कितना भी अच्छे हैं, कितना भी आप धनवान हैं, कितना ही या क्यों आर्थिक रूप से गरीब ही क्यों न हो, लेकिन आप हमेशा कपड़े साफ सुथरे पहने, आप हमेशा स्वच्छ रहें तो आपका मन भी पवित्र रहेगा, आपका परिवेश भी चारों ओर पवित्र रहना चाहिए। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह है कि शत्रु को कैसे काबू करें। जैसा शत्रु वैसी नीति बना करके काबू में रखना चाहिए, नहीं तो शत्रु आपको परास्त कर देंगे। यानी जैसा शत्रु वैसा आपका नीति निर्माण होना चाहिए। यह गरुड़ पुराण का बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और पांचवी बात जो है सबसे महत्वपूर्ण है और सबों को इसे ध्यान से सुनना चाहिए, ये पांचवी बात है, धर्म स्थल और धर्म का सम्मान करें। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हैं, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, सभी धर्म का आप सम्मान करें, किसी भी धर्म का आप अनादर नहीं करें। अगर आप किसी भी धर्म का अनादर करते हैं तो आपको इसका पाप भोगना पड़ेगा और इसका प्रायश्चित भी आपको मिलेगा ही। इसलिए सज्जनों, आप लोगों के बीच यह पांच महत्वपूर्ण बात गरुड़ पुराण के तथ्यों से आप लोगों के सामने रखें। आप लोग इसको आचरण में उतारें और अपना जीवन को धन्य बनावें। जय श्री कृष्णाय नमः। और अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो जरूर ही लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें।